So, hey guys, what's up? This is your friend Atul Verma. Okay, this is your friend Indian Gamester. तो लास्ट की वीडियो में रिकैप कराता हूँ भाई. लास्ट की वीडियो में हम लोग आए थे खेत नहीं गाँव विलेज घूमने और वहाँ पे हम लोगों ने बिल्ली विल्ली पाली थी. कुछ बिल्ली मिली थी, कुछ बिल्ली नहीं मिली थी. तो फाइनली हम लोगों ने बहुत ढूंढा कुछ मिली, फिर खो गई फिर मिली फिर खो गई. कुछ हम लोग उनके पीछे, हम लोग बबलू के पीछे, बबलू हमारे पीछे, आगे पीछे करते. बबलू भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अकड़ बकड़ बम्बे भो. 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भाग रहा. बबलू भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अकड़ बकड़ बम्बे भो. 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भाग करते. और अब फाइनली वो टाइम आ गया है आगे बढ़ने का. तो अब आगे तो गाइस देखो, हमारे पास अभी दो बिल्लियां हैं, एक ब्लैक वाली और एक लाइट येलो वाली. बट अभी फिर भी हमें डार्क ऑरेंज वाली ढूंढनी है. और तुम लोगों को तो पता है यार कि मैं कितना मोटिवेटेड और कितना डेडिकेटेड बंदा हूँ. मैंने एक चीज़ को ठान लिया अपने मन के अंदर, तो भाई उस चीज़ को मुझे करना ही है, तभी मुझको दिल से शांति मिलती है. वरना मुझे शांति मिलती नहीं है, और मैं बिना शांत भाई रहता नहीं हूँ. ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया एटीट्यूड. तो भाई इस चीज़ से तुमको भी मोटिवेट होना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, जैसे कि मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में. तो वही आई नो, आज मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफी झाड़ रहा हूँ, बट कोई नहीं, तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी डायरेक्शन. मेरी जो डेडिकेशन है वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है. तो बस भाई इसी चीज़ को अपना मूल मंत्र मान के ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करते रहना. या तो गाइस, आज बहुत ही मुश्किल हो रही है मुझे, क्योंकि तुम लोगों को शायद 5-2-3 मिनट ही होंगे इस वीडियो को देखते हुए. आई थिंक 40 सेकंड्स हुए हैं, लेकिन मैं घंटों से यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. मुझे वो बिल्ली बिल्कुल नहीं मिल रही है. सच में दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा. लेकिन तुम लोगों से जो मैंने दिन डीलिंग दे दी ना, फालतू की डीलिंग, इसके लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा. वरना फिर तुम ही लोग नीचे कमेंट करोगे, मेरा मजाक उड़ाओगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ. मतलब मजाक उड़ाओ, लेकिन जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो चीज़ करके रहेंगे यार. ठीक है, वो चीज़ हम लोग करके रहेंगे. तो अभी फ़िलहाल ये साइड से जो एक डॉगी गया हुआ है, आई थिंक ये मेरा डॉगी नहीं है, क्योंकि इसकी पूंछ बिल्कुल नीचे और रेड कलर का पट्टा भी इसके गले में नहीं है. आई थिंक हाँ ठीक है, मेरा गला अब ये मेरा बन गया है. ठीक है, तो हम लोगों की आर्मी में एक नया मेंबर जुड़ चुका है. कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस टू ऑल ऑफ यू एंड टू आवर डॉग फैमिली. ये भी एक बंदा नया है, इस बंदे को भी ले लेते हैं. ठीक है, आ गया. एंड आई थिंक इसको सुधे क्या करें. चलो ठीक है, मेरे को यहाँ से निकलना होगा. भाई ये कहाँ तैर रहा है, भाई कहाँ तैर रहा है, स्विमिंग पूल है भाई, स्विमिंग पूल. इसको भी ले लेते हैं. और कोई अपनी फैमिली में आना चाहता है तो आ जाओ ब्रो. आई थिंक यार मुझे पता नहीं भाई, मुझे पूरे एरिया में पता है मैंने करा क्या है. मैंने उसको कहीं ना कहीं बिठा दिया है. आई सीरियसली डोंट नो मैंने कहाँ पर बिठाया, बट आई रिमेंबर्ड कि मैंने कहीं पर बिठाया तो है उसे कहीं ना कहीं. तो मुझे पूरे एरिया के अंदर मैं जहाँ जहाँ घूमा था वहाँ पर एक बार फिर से राउंड मारना पड़ेगा और ढंग से बारीकी से उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठी है. मुझे ढंग से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं जब इस बिल्ली के पीछे भागा था लाइट येलो वाली के पीछे, तो आई थिंक मैंने उसको कहीं पर बिठा दिया होगा, क्योंकि मैं कुत्तों कुत्ते पीछे तो भाग रहा था उसके, तो शायद मैंने कहीं भगा दिया बिठा दिया होगा उसको. तो मुझे पूरा एरिया कुत्तों कुत्ते छानना होगा. एंड कुत्ते तो हम हैं ही, कुत्तों की संगति में भी हैं, लेकिन कुत्ते तो मोस्ट फेथफुल डॉग होते हैं, मतलब मोस्ट फेथफुल एनिमल होते हैं. तो एक तरीके से अपने साथ ये अप्रिशिएशन ही हुआ भाई, आई थिंक सो. तो फाइनली ये मिल चुके हैं हमें. कमीनी यहाँ बैठी हुई थी, इसको मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है इसको देखकर. लिटरली गाइस मुझे इतनी खुशी हो रही है. हमारी फैमिली फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है. हमारे पास 3 कैट हैं, मतलब ब्लैक, लाइट येलो और डार्क येलो, मतलब ऑरेंज कुछ भी कह सकते हो. एंड डॉग्स की पूरी फौज है भाई अपने साथ. अब हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, नॉर्मल. ठीक है, थोड़ा सा फ्लैश ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी फ्लैश नहीं है. कुत्तों की हालत बहुत हमारे, थोड़ा सा फ्लैश ले लेता हूँ. तो यहाँ से हम लोगों को फ्लैश इकट्ठा फ्लैश मिल चुका है हम लोगों को यहाँ से. मेरे ख्याल से मुझे निकलना चाहिए, और कुछ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ रह नहीं है. तो विलेज में वैसे विलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई. तुम लोग चाहो तो यहाँ से ये खंभे वम्बे उखाड़ सकते हो वहाँ पे लगाने के लिए अपने आसपास, लेकिन मैं अभी फिलहाल इतना कुछ लेकर नहीं आ रहा, मेरे पास स्पेस नहीं है. क्योंकि
जल्दी करिए, मेरे को थोड़ा स्पेस खाली करके आनी चाहिए थी, बट मैं भी मूव हूँ ना अभी, तो स्पेस खाली करके नहीं तो मैं ऐसे चल पड़ता हूँ भाई। मर गए तो फिर सारा सामान गायब, समझ लो फिर रोने के अलावा मेरे को कुछ रहेगा नहीं। लेकिन तुम्हें पता ही मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, तो फिर अभी अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं इन लोगों को। तो देखो अपने हम लोगों को जाना है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है हम लोगों को, बीच में रास्ते हैं बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी ऊंचाइयाँ कठिनाइयाँ का हमें सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फौज तैयार करनी पड़ेगी, जो कि हम कर रहे हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे हो चुके हैं भाई, इसकी पूछ नहीं चुके हैं, पूछ नहीं चुके हैं तेरी। तो मेरे पास मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हो चुके हैं यहाँ पे। क्यों भाई कितने हो तुम लोग? काफ़ी लोग हैं मेरे ख्याल से, कोई बैठा ना रह जाए यहाँ पे अपना, अगर बैठा रह गया ना भाई हमें बैठा ही रह जाएगा जिंदगी भर तक, जब तक हम नहीं आएंगे, क्योंकि फेथफुल इतने हैं भाई, ये क्या कहने। तो आई थिंक गिनो भाई कितने हैं ये, आई थिंक ये मेरे ख्याल से 10 से तो ऊपर ही है भाई, शायद 10 से तो ऊपर है भाई। इनको हम गिनेंगे कभी शिद्दत से, बट अभी अभी नहीं। हाँ भाई और कोई पूछ वगैरह? ठीक है भाई सबकी, चलो ठीक है हम निकलते हैं यहाँ से। तो अपने एक चीज़ अगर नोटिस की तो यहाँ पे मुझे कैट नहीं दिख रही है, सच में मुझे कैट नहीं दिख रही है यहाँ पे। और डॉग्स तो अपने ऑब्वियसली हैं ही, क्योंकि वफादार इतने हैं, बट इसलिए मुझे कुत्ते ज़्यादा पसंद है बिल्ली से। सही बताऊँ मेरा बेस्ट फ्रेंड तो यही है, मतलब बिल्ली भी बन जाएगी शायद, बट अभी तो फिलहाल नहीं है यार, मुझे दिखी नहीं थी, पता नहीं कहाँ है सच में यार। अब उसको ढूंढने दोबारा जाओ, मैंने बिठाई तो कहीं थी नहीं, आई डोंट थिंक मैंने कहीं बिठाई थी एंड बट फिर भी हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। एक चलो ब्लैक वाली तो मिल गई यहाँ पे, हमें खाएगी ये चल खा ले, लेकिन अभी आसपास कुछ है ही नहीं तो ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। अरे भाई इसको मारो, फ्लैश इकट्ठा करो तुम, ये साले नीचे कूद कूद के अपने आधे खून तो ऐसे कटा लिए। तो भी फिलहाल देखो तुमने शाम हो रखी है, शाम हो रही है और रात होने वाली है, और मुझे ढूंढना है वो मिल नहीं रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत की बात है यार ये, बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है ये। मतलब मैं सच में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ ना, इतना ज़्यादा। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आया यहाँ पे ढूंढा तो ब्लैक वाली मिली, उसको पकड़ा, वो तो चलो पहली बार में पकड़ा गया था, बट फिर लाइट येलो मिली, उसको खूब ढूंढना मिली, मतलब तुम सामने की बात है तुम्हारे, इतनी भगरी थी वो, फिर खो गई वो। एंड एट द एंड हमने उसको पकड़ लिया एंड उसको फीड करा दिया और अपनी दोस्त बना लिया, बट फिर वो खो गई। फिर डार्क येल्लो वाली बहुत ढूंढा, बैठ रही थी वो, उसको ढूंढते ढूंढते हमने खड़ा किया, फिर ढूंढा खो गई या फिर खो, क्या चल रहा है ये पसंद नहीं आता। तू मुझे दिल करने को कहते तो मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, अभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, समझ रहे हो तुम लोग। खैर नाम बढ़ते हैं, नाम बनते हैं रिस्क से, वो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, लेकिन ये वीडियो अलग है, तो हम इसके अंदर अपनी सोच एक्सटेंड करेंगे थोड़ा, समझ रहे हो ना, एलैबोरेट समझ रहे हो ना थोड़ा। हाँ तो भाई हाँ तो ब्रो, सच में तुम लोग बोर हो रहेंगे, इनफैक्ट मैं इतना बोर हो रहा हूँ सच में, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मन तो कर रहा है सीधे आई थिंक सामने शायद, अरे यार ये कैसी बिल्ली है यार, कैसी बिल्ली है ये सामने बैठी हुई है बताओ। अरे मुझे याद भी नहीं मैंने सामने कब बिठाया था, आई डोंट थिंक मैंने इसे यहाँ सामने बिठाया था, बट सामने है ये, तो कोई नहीं देखते हैं भाई सामने जाके। एंड मेरे यहाँ पे जितने भी कुत्ते हैं इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि अभी क्रीपर फट गया था, तो सबकी पूछ बहुत ज़्यादा नीचे हो रखी है, देखो साइड में क्रीपर फट गया था, तो भाई इन्हीं के ऊपर फट गया, इनकी सबकी हेल्थ कम हो गई है, ये मरने वाले हैं बेचारे। और अगर ये मर गए तो भाई सच में भाई दिल से बुरा लगेगा, और पूछ तो भाई देख ही रहे हो सबकी कितनी नीचे है। तो पहले मैं सबको फीड करा के भाई थोड़ा बहुत इनको थोड़ा बहुत सही करा देता हूँ यार, लेकिन क्या ही करूँ यार। अब एक तो खुशी हुई है भाई, सच में खुशी हुई है इसको देख के, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, रियली मुझे उम्मीद नहीं थी, और मुझे लग रहा था तुम लोग हंसोगे मेरे ऊपर कि भाई क्या आदर्श की बात कर रहा था, क्या डेडिकेशन था तेरा, तो मोटिवेशन लेवल था, डेडिकेटेड था, कहाँ रह गया तेरा ये सब चीज़, कह रहे हैं यार ये हमारी किस्मत पहने की हड्डी ख़त्म हो गई है और हड्डी हमको मिलेंगी भी नहीं अब। तो अब आई थिंक मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बट उससे पहले शायद मुझे लग रहा है कि डार्क वाली जो है ना, डार्क वाली मतलब डार्क येल्लो वाली, वो भी कहीं मिसिंग है, एंड शायद या तो वो कहीं बैठी हुई है या फिर आई डोंट नो सीरियसली ब्रो, आई डोंट नो। बहुत देर बाद ये मिली है, मतलब पता नहीं यार ये बैठ क्यों रही है, अब बाई चांस गलती से मुझे बैठ गए ना ये, तो सही उतारो मैं अब बिल्कुल नहीं ढूंढूंगा, मैं सीधे घर निकल जाऊँगा यहाँ से, सही उतारो मजा कर रहा हूँ यार, ढूंढना तो पड़ेगा। खैर अपने पेट्स जो हैं ये, अपनी फैमिली का मेम्बर्स जो हैं ये, तो यार देखो कठिनाइयों के बाद ऊँचाइयाँ आती हैं, और ऊँचाइयों के बाद कठिनाइयाँ आती हैं, और ऊँचा नीचा करने के बाद रोशनी की किरण आती है, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है तो हमको भी अभी ऊंचाई नीचाई से निकल रहे हैं, जूझ रहे हैं लोग, और कठिनाइयाँ पार कर रहे हैं हम लोग, और जल्दी हम भी अभी उसी फेज से गुजर रहे हैं, और आखिर में हमारे साथ भी जीत होगी, और हम लोग भी खुशी खुशी एक फैमिली के तौर पर घर जा पाएंगे। तो गाइस आर यू गाइस रेडी, रेडी हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग रेडी हो, हा? एक बार सिंचन से पूछे, आहा कॉकी भैया रेडी है? मुझे पता है मैं बहुत बैड मिमिक्री एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, बट मैं हूँ ही नहीं एक्चुअली हूँ ही नहीं। चलो ऑगी से पूछते हैं, आई थिंक
चलो अब एक काम करते हैं भाई, मैं ना परेशान हो गया, ठीक है? अब आई एम रियली रियली फेड अप, अब मैं निकलता हूँ भाई यहाँ से, समझ रहे हो? निकलता हूँ मैं यहाँ से, घर जा रहा हूँ मैं, छोड़ छाड़ के सब कुछ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल रहा हूँ भाई मैं फटाफट। सब लोग एक मिनट, व्हाट द फक आई सॉ, ये तो सच है कि भगवान फाइनली गाइस, हमारा पहला पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई है बट आ गई, तो इस चीज़ की खुशी है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो अभी देखो ये दोनों और एक ब्लैक वाली कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनके सबसे पहले ब्रीडिंग करा देते हैं जिससे कि मल्टीप्लाई हो जाए और फिर दोनों को प्यार हो जाएगा ना, तो ज़्यादा भगूंगी भेज दो, ठीक है? अब देखो इनकी छोटी सी, हाँ ये छोटी सी किट्टी हो गई यहाँ पे, तो ठीक है अब हमें निकलना सीधे घर, फटाफट से हम लोग घर निकलते हैं और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ क्योंकि मुझे पता है वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग सी हो गई है, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। बस ये आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लो गुड बाय, टेक केयर एंड चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब के बारे में घंटे को दबाकर सुपर लगा देना और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।